नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा चैनल में। और आज का जो सेशन है उसमें हम बात करने वाले हैं ब्यूटी का, क्योंकि मार्केट में अगर देखा जाए तो दो ही चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं लोग, एक तो ब्यूटी और दूसरा हेल्थ। तो आज हम बात करेंगे ब्यूटी के लिए, है ना। वैसे हमें पता ही नहीं होता है कि हमें यूज़ क्या करना चाहिए। हम जो भी ऐड देखते हैं टीवी में, विज्ञापन में जो भी ऐड देख रहे होते हैं उसे लेके आते हैं, यूज़ करते हैं, चाहे वो साइड इफेक्ट हो या जैसे भी हो, फिर पैसे लगाने के बाद भी वो चीज़ें हमें फेंकनी पड़ती है ना। हम खुद ही हमें नहीं पता है कि हमारा स्किन कैसा है, हम क्या ट्राई करें, कुछ समझ नहीं आता। इसलिए हम मार्केट में जो पसंद आता है वो लेके आ जाते हैं। वो हमारे स्किन पे सही रहता है, नहीं रहता है, साइड इफेक्ट होता है, हमें कितना प्रॉब्लम क्रिएट होता है, यहाँ तक कि हमें स्किन कैंसर भी होता है। इसलिए हमें आज हम उसी बात पे, टॉपिक पे, सेशन पे बात करेंगे, क्योंकि हमारा आज का जो हमारा सेशन है वो है एसेंशियल आर्टिस्टी का जेल क्लींजर है हमारे पास, है ना। ये अब जैसे ही, ये टीनेजर लोगों के लिए नहीं है, कि जैसे ही आप 25 ईयर्स ओल्ड होते हैं उसी तरह से ये आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो स्किन होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं। हमारा जो स्किन में है, जैसे फर्स्ट होते हैं एपिडर्मिस, दूसरा सेकेंड है हाइपोडर्मिस, तीसरा है डर्मिस। हमारा क्या है, जो हम फेस वॉश यूज करते हैं, हमारा ऊपर जो हमारा चेहरा है ऊपर से क्लीन करता है, धूल मिट्टी गंदगी जो भी है ऊपर से क्लीन करता है और हमारे एज के खिलाफ काम नहीं करता है। और ये जो हमारा क्लींजर है, जेल क्लींजर, ये हमारे सेकेंड लेयर में जाके काम करता है, एपिडर्मिस में काम करता है और काफी जो भी धूल मिट्टी गंदगी जो भी है उसे साफ करता है, हमारा जो रोम छिद्र है उसे ओपन करता है ना। ये जेल बेस है, ये थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा क्वांटिटी में यूज होता है। और इसमें जो हमारा है, इसमें एसोरेला चेरी, और बहुत सारा एसोरेला चेरी के नाम से ही आपको पता चला है इसमें विटामिन सी पाए जाते हैं एसोरेला चेरी में, इसलिए ये हमें एंटीऑक्सीडेंट देता है, काफ़ी मिलता है। और इसमें कुकुम्बर भी है जो हमारे स्किन के लिए बहुत ही बेटर होता है। आप घरेलू नुस्खे में भी आपको कुकुम्बर यूज करते हैं वो इसमें डाला गया है, ये आपके लिए बहुत बेटर है। हम लोग भी इसे घर में यूज करते हैं। आइए हम देखते हैं इसे कैसे यूज करना है। इसे हम एक बादाम की जो आती है उसके जैसे, बादाम जैसे हमें इसे हाथ पे लेना है। और हम जेल क्लींजर, और इसको हम थोड़ा सा 6 पार्ट में इसे हम डिवाइड करेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और गले पे 6, ठीक है। थोड़ा सा हमें इसमें पाम यूज नहीं करना है पूरा, बिल्कुल ये उंगली यूज होता है। ऐसे करके हम ऊपर की तरफ इसे रफ करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है वो हमारे गले से शुरू होता है। और हम ऐसे 61 ऐसे करेंगे हम, ये आराम से आप आसानी से आप इसे कर सकते हैं। हमारा जो ये क्लींजर है 3 मिनट में आप इसको आराम से अपने फेस को क्लीन कर सकते हैं। ये रहा, हम ऐसे यूज कर रहे हैं। और होता है ये चिन्ह, ये हमें यहाँ लेके जाना पड़ता है, यहाँ पे ऐसे कीजिए, ये हमारा स्टेप है। हम क्या करते हैं, लेते हैं और ऐसे करके धो देते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होता है, उससे हमारा चिक और लटकता है बाहर। इसे हमें डीप क्लीन करना है तो आराम से इसे पानी लेके हल्के हाथों से और ऐसे कर करके ना, हल्के हाथों से ऐसे, उसके बाद करना है हमें ये चिक। अगर हम 30+ है तो उसको हम ऐसे लिफ्ट करेंगे ऐसी वाली, अगर हम 30 के अंदर है तो उसको एंटी वाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करेंगे। ऐसे करने से हमारा स्किन काफी हेल्दी रहता है। ये हम हेड, फोरहेड है जो उसे कर रहे हैं, ऐसे राउंड राउंड करके करते हुए यहाँ ले आके सर्कल में रोकना है इसको ऐसे। ये हमारा डीप क्लीन होगा। अगर हम फेस वॉश वगैरह यूज करते हैं तो हमारा ऊपर से काम करते हैं ये। आगे ये नोज पे, ताकि ये पोर्शन सारा कवर हो जाए हमारा ऐसे। और दूसरे सबसे ज्यादा हमारा ब्लैक हैंड्स और ये जो है पोर्शन बहुत डेड सेल्स होते हैं, ये जो पोर्शन है हमारा डेड स्किन सेल्स होते हैं जिसे हमें अच्छे से रिमूव करना पड़ता है, नहीं तो वो ब्लैक ब्लैक दिखता है, ये वाला पार्ट और ये। तो इसको हम ऐसे दोनों हाथ में करके ऐसे कवर करेंगे, या आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे करके ऐसे ऐसे राउंड राउंड या ऐसे करके ये, ताकि हमारा ये नोज है वो अच्छे से क्लीन हो।
ऐसे। इससे ऐसे करने से आपका पूरा फेस जो है कवर हो जाता है ऐसे जिगजैग में, ये वाला। यहाँ सबसे स्किन डेड सेल सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, या ब्लैक हो जाता है स्किन हमारा। अगर ऐसे हम रफली करते हैं 2 से 3 मिनट फेस को अच्छे से टिप्स के साथ, तो ये आपका स्किन हेल्दी रहता है। हमारा ये जो है क्लीन हो चुका है क्लींजर से। बस 2 से 3 मिनट में आपका क्लींजर कंप्लीट हो जाता है। इसे हम 2 मिनट में धो के आ रहे हैं। ये क्लीन करने से हमारा डीप क्लीन में काम करता है। अंदर जाके जो भी ज्यादा ऑयल या डस्टिंग जो भी होता है उसे बाहर निकालता है, पोर्स को ओपन करता है ताकि, और मॉइस्चराइजर के लिए जो है ये आपको मॉइस्चराइजर के लिए तैयार करता है चेहरे को। अभी हम इसे 2 मिनट में वॉश करके आ रहे हैं, फिर हम आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। हमने अपने फेस को वाटर से क्लीन कर लिया है और अच्छे से क्लीन करना है, कहीं रह ना जाए, क्योंकि काफी लोग शिकायत भी करते हैं कि मतलब पिंपल्स आ रहे हैं। चाहे वैसे अगर क्लींजर रह जाता है स्किन पे तो पिंपल्स आने का डर होता है, इसलिए क्लींजर को हमेशा क्लीन करके रखें। बिल्कुल वाटर से साफ करें इसको, और साफ तौलिए से इसे हल्के हाथों से इसे डिप डप करके इसे सुखा लें चेहरे को। और ये मैं बता दूं आपको, ये जो जेल बेस क्लींजर है आर्टिस्टी का एसेंशियल है, और ये है जो ये जो है आप किसी भी स्किन मतलब किसी भी स्किन पे यूज कर सकते हैं, चाहे ऑयली हो, कॉम्बिनेशन हो, या ड्राई स्किन हो, अब कैसे भी मतलब, या नॉर्मल स्किन है कैसे भी इसको स्किन पे यूज कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, ये डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड होता है, यानी कि ये ह्यूमन पे टेस्ट करके आता है, ना कि एनिमल से। बाहर का प्रोडक्ट लेके आते हो उसमें काफी सारा बाहर मतलब कि एनिमल्स पे यूज किया गया है, उसको नहीं पता कि वो आपके स्किन पे कैसा असर करेगा, फिर भी हम लगाते हैं कि कोई तो सूट कर जाए, ऐसा सोच के। ऐसा कुछ होता नहीं है, आप ये डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड है, इसे यूज कीजिए, बहुत ही बेटर है, बहुत ही अच्छा है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेडीज यूज कर सकती है, इसे जेंट्स भी यूज कर सकता है। और अपने चेहरे को हेल्दी रखिए और स्वस्थ रखिए। धोने के बाद काफी सॉफ्ट और मुलायम एहसास आपको होगा, आप जरूर इसे यूज कीजिए। अगर हमारा ये टॉपिक आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना, और आप हमारे नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि हमारा इसके बाद जो वीडियो आने वाला है वो आपके पास आसानी से पहुंचे, और आप उसमें कंप्लीटली उस चीज़ों को कवर कर सकें। थैंक यू।